कि अयोध्या जाते जाते रांची फिसल गए। होता है, हनुमान जी गए थे ये लेने के लिए, क्या लेने, संजीवनी बूटी, जाना था लंका, मार्ग थोड़ा चूक गए, अयोध्या की तरफ से आने लगे, भटक गए थे मार्ग। एक ने पूछा, महाराज जी हनुमान जी भी मार्ग भटक जाए तो हम लोगों का क्या होगा? हमने, हनुमान जी मार्ग भटकते भी हैं और गिरते भी हैं तो राम की भूमि अयोध्या पर लंका में जाके नहीं गिरते, इसका ध्यान रखो। भटक भी जाओ तब भी गिरो तो अयोध्या में गिरो, ठाकुर जी की भूमि पर गिरो, ठाकुर जी की गोद में गिरो। और हनुमान जी को, हनुमान चालीसा है, हनुमान जी के बल के बारे में कहते हैं कि एक हाथी में जितना बल होता है, फिर 10 हाथी मिलते हैं तो दिग्गज बनते हैं, उतना बल एक दिग्गज में होता है, लाखों दिग्गज मिलते हैं तो एक एरावत, 1 लाख या 10,000 एरावत में जितना बल होता है उतना इंद्र में बल होता है, और 10,000 इंद्र में जो बल होता है वो हनुमान जी के बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून में होता है। ये बल के बारे में बताया गया है। हम प्यारे वृंदावन से आते हैं तो जरा आगे भी सुन लो, और 10,000 हनुमान जी में जितना बल होता है उतना हमारे ठाकुर जी के एक मुस्कुराहट में होता है। हम तो वृंदावन के हैं, हनुमान चालीसा भले कहीं पर अपने ठाकुर जी के प्रति वफादार रहेंगे भैया, हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी एक मुस्कुराहट से बड़े बड़े 23 करोड़ सेना ला करके जरासंध और काल यवन जो उस समय ग्रीक से आया था, अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो काल यवन ग्रीक से आया था भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए, 23 करोड़ लोग आए थे और भगवान मुस्कुरा रहे थे ऐसे करके, है इतना हिम्मत किसी का तो समझो कितने बलवान है हमारे ठाकुर जी। स्माइल, परफेक्ट स्माइल, एक परफेक्ट पर्सनालिटी की पहचान क्या है, परफेक्ट स्मेल एंड परफेक्ट स्माइल, ये दोनों गायब जिंदगी से। अगर डिओड्रेंट ना हो तो पोल खुल जाएगा, और एयर होस्टेस की मुस्कुराहट, हम मुस्कुराते रहते हैं, श्री कृष्ण की तो मुस्कुराते नहीं। पर ये कैसे होगा, जैसे जैसे आत्मज्ञान तुम्हारा बढ़ता जाएगा अंदर से, जैसे जैसे तुम नॉलेजफुल होते जाओगे, तुम्हें लगेगा ओ माय गॉड, मैं क्यों, ओ माय हनुमान जी, मैं इस बात से परेशान था, इसका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर। हमको विचार ही तो उलझाए हुए है ना, हम लोग क्यों इतने परेशान हैं? आखिर हमने क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, ये धरती है इंसानों की, क्यों इतना दुखी होते हो भाई, कोई कुछ बोल दिया तो, कुछ और नहीं इंसान है हम, कुछ और नहीं इंसान है हम, ये धरती है इंसानों की, तुम्हारे माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र सब इंसान हैं, कभी किसी से चूक होगी, कभी किसी से चूक होगी, उसको लेकर अपने जीवन में इतना अवसाद क्यों? तुम तो प्रतिपल किसी संबुद्ध महापुरुष की शरण में रहो, जुड़े रहो और उनके वाणी के प्रसाद से इतने आह्लादित रहो कि अवसाद, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव तुम्हारे आसपास भी नहीं फटके। गुरु के वाणी का प्रसाद ही तुम्हें अवसाद से दूर रख सकता है। मैं चैलेंज करता हूं व्यासपीठ से, अगर 100% कोई अपने शास्त्र, महापुरुष, संत और गुरु की वाणी को फॉलो करे, माने, उसके जीवन में अवसाद नहीं आ सकते, विषाद नहीं आ सकता, वो प्रसादों से भरा होगा, उसके जीवन में
प्रसादस्तु प्रसन्नता। शास्त्र कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? प्रसन्नता है।